बिहार में हजब इख्तदार जनता दल यूनाइटेड जीडीयू पार्लिमानी बोर्ड के सदर और साबिक मरकजी वजीर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जमहूरी इत्तेहाद एनडीए में तालमेल नहीं होने की सूरत में उनकी पार्टी तनहा अपने दम पर उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात लड़ेगी। कुशवाहा ने जीडीयू जिले दफ्तर में नामानिगारों से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ इत्तेहाद हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत होगी। जेडीयू लीडर ने वाज़े किया कि अगर किसी वजह से एनडीए के साथ इत्तेहाद नहीं हो पाया तो उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में तन्हा इंतखाब लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में एक बार फिर से जेडीयू को नंबर वन पार्टी बनाना जाएगा। तंजीम की मजबूती और आम लोगों से सीधे तौर पर जुड़ने के लिए पार्टी के जरिए रियासत गिर जनसंवाद यात्रा निकाली गई है। कुशवाहा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जेडीयू में कोई इख्तलाफ नहीं है, हम सभी मुत्तहिद हैं और एक होकर तंजीम की मजबूती और वजीर आला नीतीश कुमार की बातों को अवामुन्निसा तक पहुंचाने के काम में मसरूफ है। उन्होंने बिहार ही नहीं पूरे मुल्क में जात पर मबनी मरदमशुमारी का मुतालबा करते हुए कहा कि वजीर आला नीतीश कुमार वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके अपनी बात कह चुके हैं, अब वजीर आजम इससे मुतालिक जदीद फैसला लेंगे।